और इस वक्त हमारे साथ श्वेता सिंह मौजूद हैं। श्वेता, आप उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां बीते साल 39 जवानों की शहादत हुई थी। आज के दिन कई कार्यक्रम भी हैं। इस एक साल में क्या कुछ वहां पर हुआ, आज के दिन क्या खास वहां पर हो रहा है, बताएं। मीनाक्षी, मैं जिस समय जिस जगह पर यहाँ पर मौजूद हूँ, आपको बता दूँ कि जहाँ पर पुलवामा में नेशनल हाईवे 44 पर वो आतंकी हमला हुआ था, उससे सबसे नज़दीक का जो सीआरपीएफ कैंप है वो यही है, लेथपुरा का कैंप है जहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय। और यहाँ पर जो समारोह चल रहा है, दरअसल एक ऐसा वाक्या मीनाक्षी जिसे कोई कभी भूलना नहीं चाहेगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें वो दर्द था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसी याद है जिसे न सिर्फ सीआरपीएफ के इन जवानों को बल्कि समूचे हिंदुस्तान को हमेशा याद रखना होगा। यहाँ पर जो स्मारक आप देख रही हैं, इसे तैयार किया गया है यहीं के जवानों द्वारा, और बहुत कठिन होता है इस तरह के मौसम में अचानक अगर आपको एक ऐसा स्मारक बनाना हो, क्योंकि बर्फबारी है आसपास के पहाड़ों पर, अगर आप देख लें तो बहुत ज़्यादा आपको बर्फबारी और अभी भी मौसम का हाल आपको दिखाई देगा जिन परिस्थितियों में यहाँ पर लगातार ड्यूटी होती है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि ये जो सशस्त्र बल हैं हमारे, जो फौज है हमारी, उस सब के बीच का एक ऐसा समारोह हो जिसमें सिर्फ एक उस शक्ति का एहसास सबके अंदर रह जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें चाहे भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, वो सब एक साथ मिलकर उन ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। यहाँ पर जिस लेथपुरा कैंप में हम इस समय मौजूद हैं, दरअसल ये प्रतीकात्मक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लेथपुरा कैंप वो पहले एनकाउंटर का साक्षी है जो कि लगभग 1.5 साल पहले, आज की बात है मीनाक्षी, यहीं पर आतंकियों ने हमला किया था और सीआरपीएफ ने अपने दम पर केवल 36 घंटे में इस कैंप को आतंकियों से मुक्त किया था। पाकिस्तानी आतंकी यहां पर थे और अगर आप देखें यहां पर तो आप देखेंगे कि जो फौज के भी अफसर हैं जो इस पूरे क्षेत्र में जिन पर जिम्मेदारियाँ हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से और सीआरपीएफ का ये अपना आयोजन जहाँ पर पहले वो पुष्प अर्पित किए जाएंगे उस एक मॉन्यूमेंट जिसे शहीद स्मारक के तौर पर कहा जा रहा है, उस पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं एक एक करके जैसे जैसे अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक ऐसा माहौल है यहाँ पर मीनाक्षी जहाँ पर सब कोई, हर कोई याद रख रहा है 14 फरवरी 2019 को, लेकिन उस याद का कारण सिर्फ इतना है कि वो भूलना नहीं चाहते हैं उस वो जो यहाँ पर एक धोखा हुआ था भारत के साथ, एक धोखा हुआ था भारतीय सुरक्षा बलों के साथ कि घात लगाकर हमला किया गया था। वो कायराना हमला होता है जब मुकाबले का मौका नहीं मिलता है सामने वाले को। वर्दी जब भी किसी के शरीर पर आ जाती है उसे कभी भी वीरगति प्राप्त करने से डर नहीं लगता, उसे कोई चीज़ नहीं डराती, उसे डराती है तो सिर्फ एक चीज़ कि अपने देश के लिए लड़ने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और जो 40 निहत्थे जवान जो कि जा रहे थे छुट्टियों पर, उन पर इस तरह का आघात, ये पूरे देश को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सीआरपीएफ के जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शौर्य चक्र विजेता हैं वो सब आएंगे, वो भी रीथ लेइंग करेंगे, यानी कि रैंक से परे ये कोशिश की जा रही है कि शौर्य यादों में सबके रहे। और साथ ही हमने आज तक पर सबसे पहले दिखाया था, और जब हम एक गुड न्यूज़ करके चलाते थे जिसमें अक्षय कुमार ने इंटरव्यू किया था उमेश जाधव करके, एक सिविलियन है, एक नागरिक हैं, भारत के सामान्य नागरिक हैं जो कि औरंगाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कलश में हर एक शहीद के घर के 40 शहीद जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक अलग अलग इलाके के हैं, उन सब के घरों में जाकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा की। वो चाहते थे पुलवामा में एक नक्शा बनाए, लेकिन चूंकि इतनी दूरी थी सभी के घरों के बीच की, उतनी जल्दी वो नहीं ला पाए, लेकिन एक कलश में जरूर स्थापित हैं वो सारी यादें। और उस कलश को यहां पर कुछ देर पहले हमने वो तस्वीरें भी भेजी थी जो शौर्य चक्र विजेता जिले सिंह हैं, सीआरपीएफ के क्यूएटी टीम की तरफ से उन्होंने आतंकियों से यहाँ पर लड़ाई की थी, वो यहाँ पर उस कलश को लेकर उन्होंने स्थापित किया है इस शहीद स्मारक के नज़दीक। और उसके बाद जितने भी जो अधिकारी आ रहे हैं सीआरपीएफ के इस पूरे एतक पर भी, हम उन सभी 40 परिवारों के पास गए थे मीनाक्षी। बिल्कुल श्वेता, आपके पास लौटते हैं क्योंकि वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, स्मारक भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन श्वेता सिंह ने कुछ समय पहले जब उन जवानों से बात की, बीते साल जो हुआ था, तो सुनिए कैसे आज भी उन्हें वो याद कर रहे हैं और कैसे आंखें एक बार फिर नम हो गई। पर बात हुई थी आपके सामने, सब ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं यहां से,
आपको दिखा कि कहीं कोई मोराल में फर्क पड़ रहा है या फिर वही जज्बा जिसके लिए सीआरपीएफ जाने जाते? नहीं, मोराल पे तो कतई फर्क नहीं पड़ा है, और जो जज्बा है हमारा पहले से और ज्यादा बढ़ा है जी। और मैं थोड़ा दूसरे रूप में, कविता के रूप में जवाब देना चाहूंगा। 40 वीर शहीद हुए पुलवामा में, 40 वीर शहीद हुए पुलवामा में, तो हमने बालाकोट किया, तुमने घोंपा छुरा पीठ पे, हमने चढ़ छाती पर चोट किया। तुम लेकर आए F-16, हमने MiG-21 से ठोक दिया। उड़ी का बदला घुसकर ले लिया, दुनिया के भ्रम को तोड़ दिया। यह है जलवा नए हिंद का, यह है जलवा नए हिंद का, अभिनंदन को फौरन छोड़ दिया। हम पैगाम अमन का देते, तुम आतंक फैलाते हो। हम पैगाम अमन का देते, तुम आतंक फैलाते हो। हम दीप जलाते खुशियों के, तुम घरों के चिराग बुझाते हो। तुम घरों के चिराग बुझाते हो। अब 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे, पूरा एक साल हो गया, उनके लिए कहना चाहूँगा, सौगंध है वीर शहीदों की, हम कर्ज उनका उतारेंगे। तुम कितने आतंकी भेजोगे, हम एक एक को मारेंगे, हम एक एक को मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।